हाय दोस्तों, आज मैं आपको बाथरूम वॉल टाइल्स लगाने का कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूँ। छोटी से छोटी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि अक्सर मिस्त्री से जो होता है, नए नए मिस्त्री से गलती होता, वो सारे नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे कि दोस्तों आप लोग को अधिक से अधिक नॉलेज मिल सके। क्योंकि जानते हैं ना, एक छोटी सी कमी भी रहता है तो बहुत ज़रा नुकसान हो जाता है और आप लोग का मेहनत बेकार चला जाता है और आपका काम भी खराब हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी बातें बताने वाला हूँ, छोटी सी जानकारी भी देने वाला हूँ, कौन सी टेक्निक को कहाँ पे प्रयोग करना, कौन सी तरीका को फॉलो करना, कैसे आपको बाल टाइल्स को लगाना, वो सारा नॉलेज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं ना, ये जितेंद्र भाई आपको जो भी तरीका बताता है, जो भी जानकारी देता है, एक्चुअल 100% एक्चुअल सही रहता है दोस्तों। वो भी आपको बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं और आप समझ जाते हैं और आप ज्यादा ज्यादा काम भी कर लेते हैं। यानी कि मैं जो तरीका बताता हूँ, अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो 100% 20 से 25 बॉक्स आप टाइल्स लगा लोगे बाथरूम वॉल टाइल्स का। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेगा है जितेंद्र भाई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी कंटेंट मैं आप लोगों के लिए पढ़े लेकर आते रहता हूँ, ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक नॉलेज मिल सके दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, वीडियो को ध्यान से जितेंद्र देखना। भाई, जब आप बाथरूम में काम शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखना है, एक फंटी से आपको दीवार को चेक करना है। ठीक है, इस प्रकार से चेक कर लेना, इस एंगल में भी आपको चेक कर लेना है, क्योंकि प्लास्टर पहले से किया हुआ रहता है तो कहीं गड्ढा कहीं ऊंचा रहता है, उस हिसाब को आपको देखना है इस प्रकार से, यानी कि चारों तरफ से आपको देख लेना। उसके बाद फिर आपको अगले दीवार को भी देख लेना है इस अंदाज में। उसके बाद आपको कोपला भी निहार लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसकी चौड़ाई नीचे ज़्यादा है, ऊपर की चौड़ाई कम है, तो हमें जो ये कोपला बनाना है स्क्वायर में बनाना है और बराबर बनाना है, उसके हिसाब से आपको लेवलिंग करना है। ये चीज़ देखने के बाद अब आपको क्या करना है, लेवलिंग करना है। तो लेवलिंग आपको करने के लिए आप देख लीजिएगा, पहले अगर आपका छत का सेलिंग जो है ऊपर अगर 7 फीट पर सेलिंग दिया हुआ है, तो आपको ऊपर से नापी लेना है 6 फीट का। ठीक है, ऊपर के नापी लेना है। अगर आपके 7 फीट पे सीलिंग नहीं रहता है तो आपको देखना है कि कहाँ पे पानी का पॉइंट है, वहाँ से आपको लेवलिंग करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेवलिंग करके इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने सूता बांध रख पटक लिए हैं, निशान लगा लिए हैं सूता पटक के। उसके बाद अब हमें जो काम को शुरू करना है, वो आप देखिए, आप सामने दीवार से भी शुरू कर सकते हैं या तो फिर ये लंबा दीवार से भी शुरू कर सकते हैं। हम जो है यहाँ पे लंबे दीवार से शुरू कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कोपला है। ठीक है, ये कोपला है, इधर की साइड कोपला आ जाता है। अगर हम इधर से काम शुरू करते हैं फिर नीचे कोपला आ जाता है, तो ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर हम यहाँ से काम शुरू करते हैं, ये लंबा दीवार है, ये करीब 11 फीट लंबा है, 11.5 फीट लंबा है, अगर हम इस दीवार से शुरू करते हैं और बीच में से काम शुरू करते हैं, तो टाइल्स में जो भी बदगुनिया आता है, अब जानते हैं ना कि ये 12-18 साइज का टाइल्स है, इसमें बदगुनिया आता है, इसमें भी बदगुनिया आता है, ये स्क्वायर में नहीं रहता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो लंबा दीवार होता है उस लंबे दीवार में आपको बीच से काम को शुरू करना है। जैसे कि हम यहाँ से काम को शुरू करें, तो यहाँ से जब आप काम को शुरू करते हैं तो आपको पीछे की दीवार को देख लेना, यहाँ से आपको नापी लेना, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये सीट है। ठीक है, ये सीट है, अब हमें यहाँ पे 4 इंच का कोपला आ रहा, तो हमें क्या करना है, यहाँ से नापी ले लेना है 2 टाइल का। ठीक है, ये 2 टाइल का नापी ले लेना है, यानी कि 1.5 फीट का टाइल है, 18 × 36, यानी कि 36 इंची पे जो है हमको यहाँ से निशान लगा लेना, 2 टाइल पीछे छोड़ देना है, और तीसरी टाइल से हमको लगाने के लिए काम को शुरू करना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से शुरू करना है, उसके बाद आपको उधर का नापी देख लेना, उसके बाद आपको इस प्रकार से निशान लगा लेना है, इस प्रकार से निशान लगा लेना है। ठीक है, निशान लगाने के बाद अब यहाँ से लगाने का प्रोसेस शुरू करना है। ठीक है, तो कैसे क्या होता है वो सारा नॉलेज ये जितेंद्र भाई आपको देगा, ताकि आपको कहीं कोई मिस ना हो दोस्तों, अगर कहीं काम आप शुरू कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारे मिस्त्री करते क्या है कि नीचे फंटी लगा देते हैं। ठीक है, तो वो सब जो है नया प्लस्तर, आप ताज़ा प्लस्तर करते हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ता है, लेकिन ये सूखा हुआ प्लस्तर है, इसमें आपको वो चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और इसमें अगर आप डायरेक्ट नीचे से लगाते हैं तो ज़्यादा आपको सुविधा भी रहता है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट नीचे से ही लेकर चलना है, नीचे आपको मार्जिन देख लेना है, मसाला का जो फ्लोर का टाइल्स लगा है उसका मार्जिन उठा के आपको लेवलिंग करना है। ठीक है, तो मैं पहले बता दिया हूँ, ध्यान रखिएगा, प्लेन टाइल्स जब आप लगा रहे हैं, बिल्कुल प्लेन है, तो आपको ध्यानपूर्वक से काम करना, समझ रहे, नहीं तो टांचा आ जाएगा मेरे भाई।
तो आपको इसको ध्यान पूर्वक से काम करना है। तो क्या क्या प्रोसेस होता है, किस टेक्निक का आपको प्रयोग करना है इसको लगाने के लिए, इसका प्रोसेस अलग रहता है। अगर आपके टाइल्स का ज्वाइंट फिनिशिंग अगर गड्ढा ऊंचा वाला है तो कैसी भी लगाओगे चल जाएगा, थोड़ा बहुत भी 19-20 रहेगा तो कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन इसमें आपको बारीकी से ध्यान देना। मसाला आप टाइल्स पे जो देते हैं आप दीवार के हिसाब से देना। मैं पहले बताया फंटी से देख लेना कि अगर आपका दीवार सीधा है तो उस दीवार के हिसाब से आपको मसाला लेना। अगर इस जगह पे गड्ढा रहता है तो मसाला ज़्यादा लेना, अगर ऊंचा रहता है तो कम लेना, अगर बराबर रहता है तो मीडियम साइज में मसाला लेकर चलना। तो हिसाब से आपको मसाला लेना है टाइल्स पे। देखिए इस अंदाज में आपको कंडी को चलाना है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, मेन खेला इसी में होता है, आपको कंडी बारीकी से चलाना सीख लेना, इस अंदाज में चलाना। ये जो किनारे होता है आगे का उसके हिसाब से आपको कंडी को इस प्रकार से चलाना है और मसाला को बराबर लेना, ठीक है। और ऊँचा नीचा करके चलना है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये गड्ढा ऊंचा करके मसाला दे दिया है यहाँ पे। अगर आप पूरा प्लेन करके दोगे इस प्रकार से तो आपको टाइल्स बैठेगा नहीं, क्योंकि मसाला एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करेगा तो बैठेगा नहीं, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए मेरे भाई, ये जो टाइल्स आपका लग जाता है तो आपको क्या करना है, एक स्पीड लेवल रखना है। आपको स्पीड लेवल से इसका साउंड चेक कर लेना, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से आपको साउंड चेक कर लेना और एक बार लेबलिंग भी आपको कंफर्म कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से कंफर्म कर लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से फंटी को आपको देख लेना है एक बार ऊपर की ओर, ठीक है। ये ऊपर की ओर देख लेना कि कहीं आपका ज़्यादा तो गैपिंग नहीं आ रहा, कहीं आपका दीवार में टच तो नहीं हो रहा, इस चीज़ को ध्यान में इस प्रकार से देख लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको सामने देख लेना है इस प्रकार से कि कहीं आपको दीवार में टच तो नहीं कर रहा, ठीक है। गैपिंग जितना है यहाँ पे उतना गैपिंग आगे की ओर भी आना चाहिए और आपको ये फिर पीछे से भी आपको इस प्रकार से देख लेना। अगर आपका गैपिंग बराबर आता है तो परफेक्ट तरीके से सही रहेगा। मेन खेला इसी में होता है, अगर आप पहला पीस सही प्रोसेस से लगाते हैं तो आपका काम परफेक्ट तरीके से होता है। अगर पहला पीस आपको गड़बड़ होगा तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे मेरे भाई। आपका साउल सही प्रोसेस हो जाता है, ये टाइट सही प्रोसेस से बैठ जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सूखा सीमेंट देके टाइट कर देना है मसाला को। ये टाइल्स होगी, ये हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको पेंच देना है, टाइल्स का टुकड़ा रखना है आपको, पेंच देते हुए जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर नहीं लगाना, ऊपर लगाओगे फिर ये नीचे हिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको आगे की पेस अगला पीस लगाना है नीचे से ही, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से लगाना है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, आपको जब आप दूसरा पीस लगाते हैं तो ये जो टाइल्स होता है इस टाइल्स से आधा इंच ऊपर से आपको टाइल्स को लेना है, ठीक है। ये बहुत ही छोटी चीज़ें बातें दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है। आप इस टाइल से आधा इंच ऊपर से आपको दीवार में सटाना है और उसके बाद आपको ठोकना है। ये धीरे धीरे नीचे ससरते हुए बराबर हो जाएगा, जैसे ही बराबर होता है आप नीचे इधर से पेंच दे देना। अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है नीचे का एक लाइन जो होता है आपको फंटी से देखते हुए जाना है, यानी कि आपका दीवार टेढ़ा हो जाए ऐसा नहीं, आपको देख ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इस प्रकार से फंटी से देखते हुए जाना है। उसके बाद अब जो है आपको ये दो लाइन आपको ऊपर की ओर चढ़ाना है, ठीक है, ऊपर की ओर दो लाइन चढ़ाना। जब भी आप ऊपर की ओर टाइल्स ले जाते हैं तो दो पीस करके ले जाना, ठीक है, क्योंकि बदगुनिया आएगा तो आपको एडजस्ट करने में सुविधा होगा। ये प्लेन टाइल है, ठीक है, ये प्लेन टाइल है। अब यहाँ पे आप टाइल्स लगाते हैं तो आप बिल्कुल बराबर नहीं करना है, ये नहीं कि इसके बराबर कर देना है, इस प्रकार से लेना है, ठीक है, इस प्रकार से लेना है। और ये जो बराबर नहीं करना, आपको क्या करना है, ये जो टाइल्स होता है आप दूसरा टाइल्स जो लगाओगे वो टाइल्स नीचे वाला टाइल्स पहले वाला टाइल्स से बाल भर जो है आपको टाइट रखना है, ऊँचा रखना है, क्योंकि मसाला ये टांगता है, सूखा हुआ प्लास्टर है तो ये टांगता है, तो ये चीज़ को ध्यान पे रखना, बिल्कुल आपको यहाँ पे बराबर नहीं करना है।